सो हेलो माई क्रेजी फैमिली, और आज आप लोगों के लिए एक मतलब ओनरशिप प्रीव्यू समझो, कंपैरिजन वीडियो समझो, जो कुछ भी समझो, मगर इतना समझ लो कि आप लोगों के लिए आज वीडियो आ गया है। और यार काफ़ी मस्त वीडियो बनने वाला है, इसमें ड्रैग रेस कंपैरिजन और BS6 में क्या क्या मतलब प्रॉफिट था और क्या क्या लॉस था वो भी होंगे आपको। तो बस वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहो, अभी चलते हैं नया वाला मरीन ड्राइव, तो वहाँ पे वीडियो शूट करते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। ओ भाई ये क्या था, ये देख सकते हो आप लोग कितना डाउन है यार यहाँ से। तो अभी जा रहे हैं हम लोग मरीन ड्राइव, क्योंकि मरीन ड्राइव का तो अभी एंट्रेंस कोई खुला है, थोड़ा वीडियो शूट करेंगे क्योंकि अभी यार वहाँ पे थोड़ा कम ही भीड़ होगा, आई होप सो। ज़्यादा होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, तो पहले वहाँ पे वीडियो शूट करेंगे फिर निकलेंगे वहाँ से और फिर चलो पहले। सो फाइनली गाइस हम लोग पहुँच गए हैं अपने लोकेशन पे, और सामने आप लोग देख पा रहे हो एक छोटा सा तालाब है यहाँ पे बना हुआ। और आप लोग को लोकेशन बता दे कि आपका मरीन ड्राइव जो बन रहा है अभी पूरा बना नहीं है, वहाँ तक ही कंप्लीट हुआ है, जहाँ तक ये आप लोग देख पा रहे हो लास्ट जो यही है यहीं तक बना हुआ है। और आगे आप लोग बस PMCS तक यहाँ से जा सकते हो, उससे आगे नहीं जा सकते, तो उससे आगे आप लोग नहीं जा सकते हो। और आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, छोटा ही सा, एकदम छोटा सिंपल सा मस्त सा वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आज दोनों गाड़ी लाइनअप कर दिए हैं हम, मेरा ये रहा और अपना भाई का ये रहा अपना गाड़ी, तो दोनों गाड़ी काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो चलो। और जिनका ये गाड़ी है उनको बुलाते हैं और उनसे रिव्यू लेते हैं कि अभी तक इसमें क्या क्या ख़राबी आया, क्या क्या मतलब उनको अच्छा लगा इस गाड़ी में, क्या क्या इसका टॉप स्पीड है, क्या कुछ है यार BS4 से अलग, वो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो में बने हो रहना, तो चलो आगे मिलते हैं। अभी पूछते हैं भाई से, तो अपना भाई यहाँ पे है फैंटम किट, जिनका यूट्यूब चैनल भी फैंटम किट ही से है और इंस्टा आईडी भी फैंटम किट से है, ये भी काफ़ी तगड़ा तगड़ा रील्स बनाता है। और पूछते हैं अभी भाई से कि इसकी गाड़ी में अभी तक मतलब क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं। तो भाई अभी तक ज़्यादा कुछ तो वगैरह मॉड वगैरह नहीं किए हैं भाई गाड़ी में। अच्छा, 4,000 किलोमीटर ही चला है, 3-4 मंथ हुआ है गाड़ी का। तो भाई अभी बस गाड़ी में एक वाइजर इंस्टॉल किए हैं, टायर मिरर इंस्टॉल किए हैं। ओके, जो मेरे मतलब मेरे गाड़ी में भी हो चुका है वही सेम चीज़। और ज़्यादा कुछ इसमें अभी हुआ नहीं है, बट इतना अच्छा 2 सर्विस अभी तक कराए हैं हम। अच्छा, ज़्यादा कुछ नहीं चेंज हुआ है, दोनों में मोबिल मोबिल फिल्टर एक सब बस मोबिल, और एक इसके साथ पाउच आता है जिससे हीटिंग का इशू थोड़ा कम होता है। हाँ, तो बस यही 2 सर्विस हुआ है इसमें बस, और कुछ प्रॉब्लम अभी तक नहीं आया है। अच्छा, मतलब BS6 तुम्हारे नज़र में कैसा है BS4 के अलग? मैंने अभी तक इसका टॉप स्पीड नापा है 105। अच्छा, 105 टॉप मैंने नापा है, जो कि कभी कभी ही 105 होता है, विंड ब्लास्ट की वजह से करके 100-101 भी जाता है। और BS6 में हमको ये देखने को मिला थोड़ा सा इनिशियल में पावर ड्रॉप हमको लगता है BS4 से। हाँ, मतलब स्टार्टिंग में पावर ड्रॉप हमको थोड़ा फील हुआ, और BS6 में बस पहले से इसमें 1,000 का स्विच वगैरह दे रखा है, बस ज़्यादा कुछ ऐसा अंतर नहीं है, थोड़ा पावर ड्रॉप फील होता है। और मतलब कंपेयर किया जाए तो दोनों में से कौन सा गाड़ी सबसे ज़्यादा बेटर था और है? कंफर्ट और मतलब कैसे कहते हैं, मतलब BS6 का रिफाइन है बस ये कह सकते हो। अच्छा, साउंड वाउंड थोड़ा सा स्मूथ है, ओके, ज़्यादा है, और BS4 में इनिशियल थोड़ा पावर ज़्यादा फील होगा, यही सब बस फर्क हमको दिखा रही सर। मतलब क्या ही, और कुछ अपने मन से बताओ यार कि तुमको क्या चेंज लगता है, क्या कमी लगता है इस गाड़ी में जो मतलब नहीं होना चाहिए था। भाई कमी बस यही हमको अभी तक फील हो रहा है कि पावर ड्रॉप का इशू बहुत ज़्यादा हमको BS4 से इसमें देखने को मिला है। अच्छा, स्मूथनेस हमको मिला है भाई, बट स्मूथनेस तो दोनों ही में मिल जाएगा क्योंकि भाई वो सही दिया है इसमें, बट 125cc के सेगमेंट में हमको ये स्कूटी बेस्ट लगता है। ओके, और तुम तो शायद अप्रिला वगैरह भी चलाए हो। हाँ, अप्रिला वगैरह भी चलाए हैं, मतलब ज़्यादा का अंतर नहीं, ये एंटॉर्क 125 और अप्रिला 150 है, ज़्यादा का अंतर नहीं होता है, मतलब इनिशियल में तो अप्रिला को आराम से टक्कर देता है। ओके, कभी कभी बीट भी कर जाता है। अच्छा, मतलब सही है। और इसमें तो तुम तो कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करवाए हो इसमें यार, मॉडिफिकेशन ग्राफिक्स ही इतना इसका तगड़ा दिया है ना, क्या ही बताया जाए, स्पेकल्स वगैरह कराने का मन ही नहीं किया। और इसका अभी तक टॉप स्पीड बोले ही 112-105 जो भी बोल। सो गाइज यहाँ पे मतलब दोनों का आप लोगों को प्राइस डिफरेंस बताते हैं कि कितना का वो पड़ता है अभी और ये कितना का मेरे को पड़ा है।
तो भाई तुमको ये वाला जो है कितने का पड़ गया था? ये हम अप्रोक्स दिसंबर लास्ट के टाइम लिए थे। ओके। ये हमको 1,12,000 के करीब पड़ गया था ऑन रोड। अच्छा, और मेरा 85-87 के आसपास वो पड़ गया था। मतलब मेरे को यार सही है कि मतलब इतना ज्यादा क्यों बढ़ाया, टीवीएस ही जानता होगा। हाँ, अब पता नहीं यार, हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब चीज़ सिमिलर ही है, लगभग से लगभग सब चीज़ सिमिलर है, बस इसमें एलईडी कर दिया है। वो देखो तो सब कुछ तो सिमिलर ही है, बस आप लोग देख ही रहे हो कि यहाँ पे मैं मतलब मेरा तीसरा टायर चेंज हो चुका है और ये मेरा MRF का टायर लगा है, तो इसका टायर वही स्टॉक जो TVS देता है, TVS ही कंपनी का जो स्टॉक रहता है वही है, वही है, और क्या ही बताएं। तो अब वीडियो करते हैं एंड, और भाई का भी चैनल है, भाई अपना चैनल और इंस्टा ही दोनों बता देना। अच्छा, दोनों ही है। अच्छा, तो भाई को भी जाके सपोर्ट करो, और मिलते हैं किसी बड़े से वीडियो में। एक और है जिनका चैनल बता ही देते हैं। हाँ, भाई का चैनल लिखा हुआ आ रहा होगा। तो सो गाइस, अब चलते हैं, थोड़ा सा ड्रैग करते हैं, उसके बाद निकलते हैं घर की ओर, क्योंकि घर में मेरे को एक अर्जेंट काम आ गया है। मगर बट आज का ये वीडियो थोड़ा हाफ ही छोड़ते हैं, क्योंकि यार घर पे कंपाउंडर आया हुआ है, मम्मी का तबीयत ख़राब है, तो मम्मी को इंजेक्शन लगवाना ज़रूरी है, तो पहले ड्रैग करते हैं और चलते हैं। 1, 2, 3 भाई वो निकल गया, समझ लो वही जीता, क्योंकि यार अभी मेरे को थोड़ा सा अर्जेंट है और जल्दी भी जाना है, तो मैं उतना वो भी नहीं कर रहा हूँ, देख भी नहीं रहा हूँ कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है यार। तो आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो अभी मिलते हैं किसी बड़े से वीडियो में, टिल देन बाय बाय, राइट सेफ, राइड हार्ड। और हाँ, एक और चीज़, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाओ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया रील्स आते रहते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे भी। तो बाय।